कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूँ कि अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा हर किसी को हो। क्योंकि हम ना यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं ऐसी जानकारी के लिए और हमें फ़ायदा नहीं होता है, बहुत सारे फेक हमको वीडियो मिल जाते हैं। तो हम आपको आपसे वादा करते हैं, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम वही चीज़ आपसे साझा करते हैं जो कि जिस पर कि हमें पूरा भरोसा होता है, जो कि हम रियल लाइफ में उसका प्रयोग कर चुके होते, या तो हमारी भाभियाँ दीदियाँ या किसी भी जानने वाले पे प्रयोग किया जा चुका होता, वही हम आपके साथ साझा करते हैं। हमेशा ये मैं बोलती आई हूँ। तो आज टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भी बेबी आने वाला है, तो जो चीज़ मैं खुद से अपने लाइफ में प्रयोग कर रही हूँ वही आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप माँ बनने वाली हैं तो उसमें बहुत लोग कहते हैं ना, नदी नहीं पार करनी चाहिए, तो क्यों नहीं पार करनी चाहिए? कहते बच्चे के गले में नाड़ फंस जाता है, नाड़ तो जानती होंगे आप लोग, तो वो फंस जाता है, तो उसके लिए ऐसा क्या करें कि मतलब अगर इमरजेंसी में आपको नदी पार करनी हो तो आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो पूरा सुन लीजिएगा क्योंकि छोड़ोगे अगर आप स्किप करोगे तो पक्का आपका आप जिस टॉप चीज़ के लिए वीडियो क्लिक किए हैं वो आपका छूट जाएगा। तो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं बीच में छोटा सा बता दूंगी, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगार होगा। तो ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि नदी नहीं पार करना चाहिए क्योंकि बच्चे के गले में नाड़ फंस जाता है। जितनी बार आप नदी पार करोगे उतने राउंड गले में फंसता चला जाएगा, तो उससे बच्चे के गले मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और बच्चे की सांस लेने में दिक्कत तो होगी ही और पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा तो अंदर है तो पता नहीं चलेगा आपको कि बच्चे को अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आप नदी ऐसे टाइम पे ना ही पार करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इमरजेंसी में पार करना ही पड़ रहा है तो उसके लिए हमारी दादी, हमारी पुराने ज़माने के लोगों ने जो एक उसका उपाय बता रखा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो करना क्या है, अपने बराबर धागा लेके अपने बराबर का नाप के, और कहीं पे जैसे आप जा रहे हो तो अपने घर में ही कोई कील हो या कोई चीज़ हो तो उसमें टांग दो कि वो सीधा बना रहे वहाँ पे, तो आपके बराबर का टगा रहेगा और उसके बाद में आप नदी पार करें। वैसे मैं राय दूंगी कि ना ही पार कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो तो ये आप ट्रिक करके ये करके तरीका तब आप नदी पार कीजिएगा। तो ऐसा करते हैं, आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है, ऐसे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।